रिलीज होने जा रही है ट्रिपल आर। आखिर एसएस राजा मौली किस एक्टर पर लगाने वाले हैं 400 करोड़ का दांव? क्या होने वाली है ट्रिपल आर की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोरिका जाल। भारतीय सिनेमा के सबसे सफल डायरेक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर को लेकर बिजी है। इस फिल्म में आपको जूनी रेंडियार, आलिया भट्ट, रामचरण और अजय देवगन जैसे सितारे नजर आने वाले हैं। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा जो है वो शूट हो चुका है और टीम इन दिनों पोस्ट प्रोडक्शन वर्क का जो काम है उसमें लगी हुई है, उसको जल्द से जल्द निपटाने की सोच रही है। जैसे ही कोरोना से बिगड़े हालात ठीक हो जाएंगे तो मेकर्स फिल्म का जो पैच वर्क बचा है उसको शूट कर लेंगे। फिल्म ट्रिपल आर को मेकर्स अगले साल की शुरुआत में रिलीज करने का सोच रहे हैं। अगर मीडिया में आई जो जानकारियां हैं उनकी माने तो ट्रिपल आर खत्म होते ही एसएस राजामौली आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही बड़े बजट की फिल्म बनाने वाले हैं, जिस पर वो दाव लगाने वाले हैं महेश बाबू पर। और महेश बाबू को आप जानते हैं, साउथ के सुपरस्टार हैं महेश बाबू। और जो अगली फिल्म होगी महेश बाबू के साथ होगी ट्रिपल आर के डायरेक्टर की। ताज़ा रिपोर्ट की माने तो राजामौली की अगली फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा है, यानी कि ट्रिपल आर का बजट है 350 करोड़ और महेश बाबू वाली जो फिल्म है उसका बजट है 400 करोड़। मतलब राजामौली को मानना पड़ेगा एक के बाद एक बड़ी बड़ी फिल्में वो कर रहे हैं। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो ये जंगल के आसपास घूमती है। राजामौली की फिल्मों के कॉन्सेप्ट हमेशा यूनिक होते हैं, ऐसे में महेश बाबू की फिल्म के साथ भी वो कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। फिलहाल ट्रिपल आर की बात करें तो अल्लूरी सीताराम राजू और कोमा राम भीम की कहानी होने वाली है और बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं राजामौली। स्वतंत्रता सेनानियों की जो लड़ाई है वो दिखाई जाएगी, उनका संघर्ष दिखाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें अजय देवगन का इसमें बहुत ज्यादा अहम किरदार होने वाला है और अजय देवगन इन दोनों को ही गाइड करते हुए नजर आएंगे। वहीं फिल्म में अजय देवगन के साथ आपको श्रेया शरण नजर आएगी, जो कि उनके साथ दृश्यम में भी नजर आ चुकी है। इसके अलावा आपको आलिया भट्ट एज अ लव इंटरेस्ट दिखेंगी रामचरण का। वहीं जूनियर एनटीआर ओलिविया मॉरिस के साथ नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं ट्रिपल आर के लिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।